वो कहते हैं ना, डिफिकल्ट रोड्स लीड्स टू अ ब्यूटीफुल प्लेसेस. सो अभी हम लोग उठे हैं, फ्रेश हुए हैं और हम ये देखने जा रहे हैं कि अभी तक जो हम इतनी मुश्किल ऑफ रोडिंग करके महोडंड लेक पहुँचे हैं, तो क्या वो वकर साहब हमें पसंद आएगी कि नहीं. देखें तो सही है कैसी, कि ये मेरा लाइफ का फर्स्ट एक्सपीरियंस है यहाँ पर आने का और शायद लास्ट हो, इंशाल्लाह अगर अच्छी लगी तो लास्ट नहीं होगा, अगर सुकून हुआ तो लास्ट नहीं होगा, अदरवाइज लास्ट होगा. सो अभी जाके चेक करते हैं, ब्यूटी चेक करते हैं महोडंड लेक की. बहुत अच्छी है, खूबसूरत है, लेकिन यहाँ तक की जो रोड है ना, अगर वो कमाल हो जाए ना, नॉट बैड. लाइफ में कई एक्सपीरियंस करने पड़ते हैं जो कि मुश्किल का सबब भी बनते हैं. तो अभी हमारी ये फर्स्ट डेस्टिनेशन थी, नेक्स्ट हमारी जो डेस्टिनेशन है वो कुमराट होगी आई थिंक. अभी हम लोगों को जिस मुश्किल में घिरे हुए हैं, पहले हमें उसमें से निकलना पड़ेगा. वो ये है कि हमारी बाइक की क्लच प्लेटें, प्रेशर प्लेटें बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हैं और अब हम लोगों ने उसके लिए भी हल करना है. तो अभी जाते हैं बाइक के पास और देखते हैं कि उसका क्या हल हो सकता है. ये अभी ये आपके साथ ये कर सकते हैं कि वो मैकेनिक जो है ना वहाँ तक आपको पहुँचा देगा आराम से. ये इसको जानता भी है पश्तो में, ये इसको समझा भी देगा, ठीक हो गया. तो अभी मतलब आप लोग अपना सामान शामान जो है ना वो आराम से वो बांध ले जो कुछ भी है ना. तो ये अभी इधर ही है, ठीक हो गया. तो ये सुन लेंगे सर, गाड़ी वो ऐसे ही बैठा है, आप बस आधा घंटा 20 मिनट जितना भी टाइम आप ले सकते हो ना, ठीक हो गया. अभी आके हम ये हमें कुछ रास्ते में लोग मिल गए थे, उन्होंने हमें महोडंड तक पहुंचाया एंड अभी इनसे बात की है कि हमारी बाइक को गाड़ी पे रख के कालाम पहुंचाएंगे, वहां से आगे फिर हम मैकेनिक से इसका काम करवाएंगे क्योंकि बिल्कुल चल नहीं सकती है इस टाइम. सामान वगैरह पैक करेंगे अभी और फिर आगे हम लोग जो है ना बाइक को गाड़ी पे रखेंगे और ख़ुद भी गाड़ी पर जाएंगे. वहाँ पे जाके हम हमारी कोशिश है कि इसका काम हो जाए और आज के दिन शायद हमें रात यहीं गुजारनी पड़े, वरना आगे हमारा प्लान था अगर बाइक ख़राब ना होती तो. तो अभी बस इधर से जाएंगे उस पर बाज़ार जाएंगे, बाज़ार में जाके सेटिंग वगैरह करवाएंगे और कोई पता नहीं है कि इसको अभी तक इशू क्या है. तो मुझे जहाँ तक लग रहा है क्लच प्लेटें और प्रेशर प्लेटें इसकी जो है वो एक्सपायर हो चुकी है. तो होप फॉर द बेस्ट, उम्मीद है कि हम अपना सफ़र
कंटिन्यू आज नहीं तो कल ज़रूर करेंगे इंशाल्लाह। ये इसकी नई क्लच प्लेटें हैं और ये प्रेशर प्लेटें हैं, और ये इसकी पुरानी क्लच प्लेटें और प्रेशर प्लेटें हैं जो कि प्रॉपर जल चुकी हैं, और जब ये खुली तो इनमें से स्मेल आ रही थी। अभी इसमें नई क्लच प्लेटें और नई प्रेशर प्लेटें डालेंगे। लोगों ने इसकी क्लच प्लेटें प्रेशर प्लेटें चेंज करवा ली हैं, अभी इंजन ऑयल डाल रहे हैं। उम्मीद है कि अब हमें ये तंग नहीं करेगी, क्योंकि बाइक जो है वो अब वापस आगे सफ़र के लिए तैयार हो चुकी है। तो बकर क्या प्लान है अभी? देखते हैं, अभी कलाम रुकते हैं रात को। अभी हमारा प्लान है कि हम कहीं ना कहीं स्टे करेंगे नाइट, फिर हम आगे सोचेंगे क्या करना है। टेस्ट ड्राइव कर ली है और अभी हम कलाम की तरफ जा रहे हैं। कलाम में नाइट स्टे का हम लोगों का प्लान है, और उसके बाद जो है फिर सोचेंगे, क्योंकि अभी थक काफ़ी चुके हैं। एंड इस जंगल में तने तनहा चलने की चस ही वक्री है यार। ये वही जंगल है जो जब हम आ रहे थे कल शाम को, तो इसी में से हम गुजरे थे, और अभी भी, और अब हम फुल तने तनहा और गुप अंधेरे में इस जंगल में जा रहे हैं। वैसे फीलिंग अच्छी है यार, बड़ा मज़ा आ रहा है। फाइनली हम लोग अब होटल में पहुंच चुके हैं। ऑफ रोडिंग बहुत ज़्यादा थी, दोनों फ़ोन्स की बैटरी लो हो चुकी थी, गोप्रो की भी बैटरी लो हो चुकी थी, तो इस वजह से अब हम लोगों ने होटल लिया ताकि रात को हम हर चीज़ चार्ज कर लें, और सुबह अब देखते हैं कि सुबह हमारा किस तरह का प्लान होगा। दिन आज का बस ये समझेंगे फुल टाइम फजल खुबारी थी, फुल टाइम एडवेंचरस था, और अभी जाके हमें थोड़ा सा सुकून हुआ है। रूम में हमने हर चीज़ चार्ज पे लगा दी, खुद को भी चार्ज पे लगाने लगे हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। सुबह का आवाज़ एक नए ब्लॉग के साथ करेंगे आज, दिन ख़त्म तो ब्लॉग ख़त्म। खाना खाते हैं इस व्यू के साथ और इस पानी के शोर के साथ, खाना खाने के लिए चस है ना, सारी थकावट अभी उतर जाएगी।